उसका बाप था वो नशे में था फुल, नशे की हालत में वो पेशाब करने लगा, तो वो लड़का उठा उसको कहा भाई बाहर निकल जाए पेशाब करने की जगह है। वो पहले उसके बाप के साथ मारपीट हुई, वो आकर के यहाँ रेडी पर रो रहा था, और जब तक इतने में उसका लड़का उधर से चाकू लेके या कुछ सीधे बाढ़ उसने चाकू का उसके ऊपर कर दिया लड़के के ऊपर। इनका आपसी कंपटीशन फल का है, यानी बिजनेस का कंपटीशन है, इनके कंपटीशन के चक्कर में इन्होंने 20 बंदों ने उसको यहाँ मारा। भाई जिस तरह से हमारे पति को उन्होंने जो है हमला किया उस पर, तो उससे सजा मिलना चाहिए। आज हमारे घर वालों को किसी ने किया है और कल किसी और को करेगा। MLC रिपोर्ट आ जाएगी। कोई लंबा इतना लंबा चाकू नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई इरादे कतल से नहीं आया था, वो समझाने के लिए आया था यहाँ पे। आज यहाँ कोई सच्चाई नहीं बोल रहा है, कोई बात है, एक बात नहीं है। बंदे का ऑयल कोल आया जिससे झगड़ा हुआ है 195%, झगड़ा ही नहीं हुआ, दारू पी के झगड़ा किया उसने। मैं नहीं दबूंगा इनकी गुंडागर्दी से, मरवा देने मेरे को। चाकू मारने से उनकी जान भी जा सकती थी, तो आप हमें क्या उनको वापस ला के दे देते? वापस तो देते नहीं, जब जान चली जाती तो क्या वापस करते आप? कहते हैं मर्डर करेगा गांव भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सागरपुर के इंदिरा पार्क में मौजूद हूं, और दो दिन पहले यहां से एक ऐसी वारदात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक नशे में धुत व्यक्ति एक अपने ही पड़ोसी के घर के सामने आता है और उसको नशे की हालत में ही चाकू मार देता है। बताया जा रहा है कि वो दोनों व्यक्ति फल बेचते थे, जितने भी लोग फल बेचते थे वो सभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे। क्या हुआ था, क्या कारण था चाकू मारने का, एक बार उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या हुआ था। सर हुआ क्या, उसका बाप था वो नशे में था फुल, वो बाप जो नशे में था वो आया था मेरे रूम पे, जहाँ पे वो लड़का बैठा था, हिसाब ले रहा था मैं उससे, फल के हिसाब हो रहा था, सबका पैसा जमा हो रहा था। अच्छा। तो नशे में आया वो गेट के पास में बगल में, नशे की हालत में वो पेशाब करने लगा, तो वो लड़का उठा उसको कहा भाई बाहर निकल जाए पेशाब करने की जगह है, तो इतने में वो बाप नशे में उसको गाली देने लगा, गाली दे के फिर नहीं माना, फिर उसने गेट भी बंद कर लिया, गेट बंद करके उसको बाहर को निकाला, फिर वो इतने में गया, फिर दोबारा वापस फिर आया गाली देने को, फिर उसने लड़के निकाल लिया बाहर को निकाल के, चले फिर हम उसको बाहर यहाँ तक लाए और उधर भेज दिया रोड के क्रॉस। फिर उसने अपने लड़के को फोन किया, वो भी रेडी लगाए होगा कहीं भी, रेडी लगा के अपने, वो उसका लड़का आया आधा एक घंटे बाद, तो हमको नशे में था, सब चले गए, वो लड़के अपने तौलिए में आके खाना खा के तो गुटखा खाने के लिए बाहर को निकला था, और जब तक इतने में उसका लड़का उधर से चाकू लेके या कुछ दिखाई तो दिया नहीं, चाकू है या नहीं उसके हाथ में, इधर से वो जा रहा था, उधर से वो आया सीधे बाढ़ उसने चाकू का उसके ऊपर कर दिया लड़के के ऊपर, और आगे कोई बात ही नहीं बन पाई। पहले भी किसी तरीके की कोई लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई। लड़के का क्या नाम है जिसने चाकू मारी? अंकित नाम है उसका, एक उसमें आधार कार्ड में दूसरा नाम मिला है। क्या नाम मिला है उसमें? पता नहीं सुचित नाम ऐसे कुछ है, आधार में उतना तो ध्यान नहीं है, मगर जो ID उसकी मिली है वो दूसरे नाम की मिली है। आप लोग जब ये घटना हुई फिर हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल लेके पहले गया यहाँ का ये अंसारी हॉस्पिटल में, वहाँ तो जवाब दे दिया लड़का, वहीं से आंख सांख सब फट गई थी, बेहोश हो गया कि खत्म हो गया कि यहाँ नहीं कुछ है। फिर मैं दीनदयाल लेके भजा, दीनदयाल में उसका इमरजेंसी में इलाज हुई। इलाज हुआ तो अभी हालत ठीक है? अभी नहीं ठीक है, अभी पड़ा है, देखो कि कब छुट्टी हो उसकी। मैं इसी जगह पे बैठा हुआ था। अच्छा। ठीक है, हकीकत जो है वो मैं बताऊंगा। ये 20 बंदे, वो पहले उसके बाप के साथ मारपीट हुई, वो आकर के यहाँ रेडी पे रो रहा था। कौन? उसका पापा। ठीक है, अंकित के फादर। हाँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो यहाँ रो रहा था। मैं इन लोगों के पास गया, ये सब खड़े हुए थे, ये सारे मोमदन है, इन्होंने, मैं इनके पास गया, मैंने यार बुजुर्ग आदमी को नहीं मारना चाहिए, ये मेरे से भी बदतमीजी की इन लोगों ने, फिर भी मैं आके चुप बैठ गया। फिर भी इनसे ना समझो रखे, ये भी फल बेचते हैं, वो भी फल बेचते हैं, इनका आपसी कंपटीशन फल का है, यानी बिजनेस का कंपटीशन है। इनके कंपटीशन के चक्कर में इन्होंने 20 बंदों ने उसको यहाँ मारा, इन लोगों ने मारा, इन लोगों ने मारा। उसके हाथ में एक इतना सा चाबी के छल्ले के अंदर एक चाकू था छोटा सा, जब वो रोड पे गिरा हुआ था, जब ये मार रहे थे, जब उससे अपना बचाव करने के लिए उसने जो वो निकाल करके वो मारा। ये डॉक्टरी रिपोर्ट आ जाएगी, MLC रिपोर्ट आ जाएगी। कोई लंबा इतना लंबा चाकू नहीं था, कोई कुछ नहीं, कोई इरादे कतल से नहीं आया था, वो समझाने के लिए आया था यहाँ पे। आज यहाँ कोई सच्चाई नहीं बोल रहा है, तो सच्चाई क्या हुई थी यहाँ पे? अच्छा सर, आप तो बता रहे थे कि कोई सर नहीं, बात है नशे में बात कर रहे खड़े होके, कोई बात है, एक बात नहीं है। बंदे का ऑयल कोल आया जिससे झगड़ा हुआ है 195%, झगड़ा ही नहीं हुआ, दारू पी के झगड़ा किया उसने। वो तो दारू पिया था बुड्ढा, उसका वो दारू पिया था, वो बुड्ढा था उसका बाप, वो तो दारू पिया था, उसका बाप वो दारू पिए रखा था जो गया था कमरे पर।
ये बोल रहे हैं कि 220 लोगों ने मारा। एक बंदा उसके पास नहीं गया, इसका रिकॉर्ड बंदे का, इसके अलावा कोई कहते एक बंदा उसके पास नहीं पहुंच पाया, एक बंदा भी नहीं गया। उसके शरीर में डॉक्टरी वेमेंसी हो चुकी है, मैं नहीं दबूंगा इनकी गुंडागर्दी से, मरवा देने मेरे को, मरवा मेरे को। उस अंकित की एमएनसी कल हुई है, उसके उसमें एमएनसी हुई है घर के अस्पताल में, उसके खुद मालूम होगा। 90% कोला रखा उसके अंदर, 20 आदमी जिसको मारे कहीं पे चोट लगेगी उस बंदे की, मारने के लिए धमकी देगी, मर्डर करा देंगे मेरा, कहीं पे कहीं पे उसके चोट लगेगी, मर्डर करा देंगे मेरा। क्या कह रही है आप? अपने कह रहे हैं हम लोगों से लफड़ा बिल्कुल नहीं मैडम जी। अच्छा सर, आप बताइए 20 लोगों ने मारा था? कोई नहीं मारा था उसको, अंकित खुद मारने का मारा, नहीं मारा, अगर मारा होता तो वो नहीं रिपोर्ट करता जाके। रोजाना तुम्हारे साथ बैठता उठता था, घर में आता जाता था, दारू पीते थे, खाते पीते थे ये लोग, हैं? बाथरूम में लगा, वो बाथरूम में जा रहा है, और कोई इसमें कोई बात ही नहीं हुई थी, खाली गया था नशे की हालत में। कितने बंदे आईडी दिखाओ, आईडी सबकी लो, आईडी सबकी जमा है, वेरिफिकेशन दिखाओ पुलिस की, दिखाओ वेरिफिकेशन मेरे को, किस मकान मालिक ने कमरा दे रखा है, कितनी उसने पुलिस को दे रखी है कि हाँ जी ये इतने बंदे रहते हैं, कहते हैं मर्डर करेंगे गाँव भाग जाएंगे, भागते गए मर्डर करके, साथ हुआ उसको पुलिस ने छोड़ दिया, एक मिल गया क्या बाप ने, पुलिस ने वहाँ छोड़ दिया बाप को, एजेड समझ कर के पुलिस ने छोड़ा है। हाँ पुलिस ने छोड़ा है, ये साथ नहीं कह सकता मैडम, ये नहीं कह सकता कैसे छोड़ा है, मैं नहीं कह सकता। वेरिफिकेशन हुई है कि मैं तेरे साथ दुनिया बोले, सच्चाई बोलो ना, सच्चाई बोलेगा अभी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई बोलेगा, उसके मामा के पहले मैं जेल से डर रहा हूँ, मरवा देगा तू मेरे को। उसके जो पिता है उनसे पहले भी किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं? कुछ नहीं, बहुत दोस्ती थी, बहुत आपस में बैठ के डेरी चलाते, साथ ही साथ बेचे आते थे, कोई मतलब नहीं था, वो खाली यही बात थी कि दारू, क्योंकि वहाँ पे पेशाब करने लगा, हम लोग जैसे हिसाब देते थे, जो हमारे सेठ हैं इनको हिसाब देते थे, पैसे देते थे शाम को, और वो ही पैसे देने आया था, और वो लगाता था अपनी, वो रहता वहाँ पे, लेकिन वो आके यहाँ पे पेशाब करने लगा, नशा क्या लगता था, तो उसने कहा कि भाई यहाँ पेशाब मान लो थोड़ी है, पेशाब करने कोई जगह ही नहीं है, बस इतने बात बनी और कोई बात ही नहीं बनी, फिलहाल उनके बाप के साथ कोई इतना झगड़ा भी नहीं हुआ। एक बार आपको हम घर दिखा देते हैं, यही वो घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो किराए पे रहते हैं, किस जगह पर वो ऐसी हरकत करे थे? यहाँ पे ये जगह है, ये बाउंड्री रखी है यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग बैठा हुआ था तब वो नशे की हालत में आया था, अच्छा। और वहाँ से जब निकाला तो वो गाली देता रहा बुड्ढा, फिर ये वाला गेट बंद कर दिया, फिर दोबारे में आया, फिर गाली देने लगा, फिर उसको हम लोग को पकड़ के उधर छोड़ा, तब उसने से वो लड़का जो कलामू, तो उसने खाली हाथ पकड़ के उधर कर दिया, इतने में कह रहा मेरे को मारा है। हम गांव में रहते हैं, जो हमें पता नहीं था कि जो है इनको मतलब चाकू किसने मार दिया है, हम जो है ये इन लोगों ने हमें बताया नहीं, फिर हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि इनको किसने चाकू मार दिया है। लोग हमारे दो बच्चे हैं, मतलब अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम भाई हमारा सहारा का वही सहारा है, हमारे सहारे लिए हैं, और ये लोग अगर कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं अगर उनके कुछ हो जाता, इसीलिए जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो आपको मैं जगह दिखाऊं, यही वो जगह है, आपको सामने मदर डेयरी दिख रही होगी, मदर डेयरी के पीछे वाली जगह है जहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बताऊं कि कोई बहुत बड़ा वजह नहीं थी या फिर बहुत बड़ा कारण नहीं था, इतनी बेदर्दी से जिस तरीके से चाकू लगा है, अब्दुल कलाम है उस व्यक्ति का नाम जिसको चाकू लगा है, बताया जा रहा आगे एक चाकू लगी और पीछे एक चाकू लगी है। बताइए क्या हुआ था? वो मेरे कमरे पे आया, हम लोग अंदर कमरे थे, गेट मेरा भिड़ा हुआ था, उसने गेट खोल के अंदर आया, वो कह रहा मैं बाथरूम करें, तो मैंने कहा भाई जा लेटरिन में कर जाके बाथरूम, तो मैंने उसको निकाले, अपना गेट बंद कर लिया, गेट बंद करने के बाद में उसने माँ बहन की गाली दी, फिर उसको मैंने फिर धक्का मार के निकाल दिया बाहर, फिर ये हम लोगों को धमकी देके गया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मरवा देंगे, ठीक है। फिर ये खाना खा के उसके बाद में गया, खाना खा कर गुटखा लेने जा रहा तो इतने में उसका लौंडा आया चाकू लेके, दो तीन चाकू मार के चला गया। आप हॉस्पिटल कितने बजे लाए? हॉस्पिटल वही तकरीबन 7:30 या 8 बजे ऐसे लाए थे, पीछे वाला चाकू मार के घुमा दिया था, बहुत खतरनाक लगा। अच्छा छोटा था हथियार, बड़ा था आपने नहीं देखा? चाकू लगभग इतना बड़ा होगा, मैंने फोल्डिंग वाला नहीं होता मॉडर्न चाकू, ऐसे उसने साइड के अंदर कर रखा था, ऐसे कर रखा था। आपकी कोई लड़ाई नहीं थी? सिर्फ लड़ाई कोई नहीं थी, किसी से पूछ लेना मेरे को। आप उसको जानते थे अंकित को? जानते ऐसे थे कि फ्लोर वो भी लगाता था, मैं भी लगाता था, अच्छा ऐसे जानते हैं।
और वो कमल पार्क में रहता है, मैं इंदिरा पार्क में रहता हूँ। तो ये देख रहे थे आप मेरे साथ पूरा मामला किस तरीके से छोटी सी बहस एक व्यक्ति की जान भी ले सकती थी। इस वक्त जिस तरीके से अभी हम हॉस्पिटल के अंदर गए, हमने बात करने की कोशिश करी, जो अब्दुल कलाम है वो अभी बहुत, उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है, वो सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहे। और जो परिवार वाले हैं उनसे भी हमने बात करी, सभी लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने इतनी मुस्तैदी के साथ एक व्यक्ति को जाकर अदर सिटी से पकड़ लिया है, वैसे ही जो दूसरे अंकित के जो फादर है वो भी अभी फरार चल रहे हैं, उसको भी जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस ढूंढ ले और उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो ये देख रहे थे आप मेरे साथ पूरा मामला। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।